हेलो एंड वेलकम टू सेपर वर्ल्ड। तो आज मैं कोई ऐसे बोरिंग वाले फैक्ट्स नहीं बताने वाला जो कि आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होंगे, बट ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फन फैक्ट्स है जो कि आपको डेफिनेटली नहीं पता है। क्या आपको लगता है कि फर्स्ट स्मार्टफोन आईफोन था? तो आप गलत हो, क्योंकि एक्चुअल में फर्स्ट स्मार्टफोन जो था वो 16 अगस्त 1994 में लॉन्च किया गया था और उसका नाम था साइमंस पर्सनल कम्युनिकेटर। और इसमें सारे बेसिक स्मार्टफोन वाले फीचर्स थे, जैसे कि इसमें एक टच स्क्रीन था जिसको आप स्टाइलस से अपने फिंगर टिप से यूज़ कर सकते थे, उसमें आप ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते थे, साथ ही साथ इसके अंदर कैलेंडर, कैलकुलेटर, एड्रेस बुक और नोटपैड भी था। हाँ, बट इसके अंदर एक वेब ब्राउजर नहीं था, बट उस टाइम के कंप्यूटर में भी इतने अच्छे वेब ब्राउजर नहीं हुआ करते थे। क्या आपका फ़ोन कभी गिरा है? ऑब्वियसली हमें बहुत बुरा लगता है जैसे फ़ोन गिरता है, बट अगर आप फिनलैंड में हो तो मे भी आपको उसके लिए ट्रॉफी मिले। क्या एक्चुअली फिनलैंड में फ़ोन फेंकना एक स्पोर्ट है जो कि 2000 से एनुअली ऑर्गेनाइज करते थे एक वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसका आज तक का जो रिकॉर्ड है वो है 97 मीटर्स मेल के लिए और 40 मीटर्स फीमेल के लिए। आप जब भी घर से निकलते हो कि आप अपने पॉकेट में चेक करते हो कि आपने फोन लिया है कि नहीं लिया है, झूठ मत बोलना, हम सब करते हैं। एक्चुअली में ये एक रियल फियर है, इसको नाम भी दिया गया है नोमोफोबिया। और आप चिंता मत करिए, हम लोग यहाँ पर अकेले नहीं है। इस फोबिया से वर्ल्ड में 200 करोड़ लोग सफर करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका फोन जेब में हो या बाहर पड़ा हो और आपको ऐसा लगता है आपका फोन बज रहा है, बट एक्चुअली में बज ही नहीं रहता है? एक्चुअली इसको भी एक टर्म दिया गया है, इसको बोलते हैं रिंग्जाइटी। हम सबको मालूम है कि लोगों को आईफोन कितना ज़्यादा पसंद है, और एक्चुअली में लोगों ने ये बात को प्रूव कर दिया था 2012 में, जहाँ पर एप्पल ने 14 डेज में 3.7 करोड़ से भी ज़्यादा आईफोन बेचे थे, जो कि 262 फोन्स एक मिनट में, या फिर बोलना चाहिए 4 फोन एप्पल ने एक सेकंड में बेचा था। आप सोचो क्या प्रॉफिट हुआ होगा उनको। मुझे आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको एप्पल पसंद है कि एंड्रॉयड। क्या आप एक बजट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो या मिड रेंज फ़ोन या एक फ्लैगशिप इस्तेमाल करो? कभी ना कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा फोन इतना पावरफुल नहीं है और हमें ऐसा लगता है हमें नया फोन खरीदना चाहिए। क्या आपको लेकिन मालूम, आपका फोन जो है स्पेसशिप के कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल है। नासा ने ऐसा बोला है कि जो कंप्यूटर अपोलो 11 में था मून लैंडिंग के टाइम पे, उससे कई ज्यादा पावरफुल आजकल के स्मार्टफोन है। क्या आपने कभी अपना मोबाइल फोन बिल खोला है और आपको शॉक लगा है? आई मीन, जब जियो और एयरटेल ने अपनी प्राइस बढ़ाई थी तब तो हम सबको थोड़ा शॉक तो लगा ही था, बट ये शॉक सेलिना एरॉन्स के शॉक के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि जब एलिना सेरॉन्स ने अपना बिल खोला था उनको बहुत ही बड़ा शॉक लगा था, क्योंकि जो बिल का अमाउंट था वो था 1.5 करोड़ से भी ज्यादा। ऑब्वियसली सबको पहले लगा था कि मिस्टेक है, बट एक्चुअली में मिस्टेक नहीं था। एक्चुअली सेलिना एरॉन्स के दो भाई थे जो कि गूंगे और बहरे थे, इसलिए वो सिर्फ टेक्स्ट मैसेजिंग का इस्तेमाल करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, बट जब तक वो डाटा प्लान पे तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट प्रॉब्लम जब आई जब उनमें से एक भाई कनाडा चला गया था और वहां पर उसने 2000 मैसेजेस किए, प्लस उसने कुछ वीडियोस डाउनलोड करी थी जो कि हम बोल सकते हैं पर वीडियो का कॉस्ट था 1,50,000 रुपए। अगर आप एक आईफोन यूजर है तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि 99% जो मालवेयर और वायरसेस रहते हैं वो एंड्रॉयड डिवाइस को टारगेट करते हैं। बट ऐसा क्यों, तो जानना है तो मेरी लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करिए। और आपको मालूम है कुछ ऐसे ऐप्स है प्ले स्टोर पे जो कि आपको डाउनलोड नहीं करने चाहिए, वो वीडियो के लिए आप राइट में क्लिक कर सकते हो।